Makeup. हेलो तो गाइस देख सकते हैं आज मैं आ चुका हूँ फाइनली सपुतला जी के पास में, यानी कि बरेली से डायरेक्ट कहाँ आया हूँ बांदा। बरेली का झुमका बहुत अच्छा लगता है मुझको। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वीडियो में तो आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ और नई बातें करने आए हैं आप सबके बीच। गाइस एक बात और कहना था आप सबसे, ये यूट्यूब वाले बाबा जो हैं उनको सब यूट्यूब वाले बाबा के नाम से ही जानते हैं। उनका तो मतलब चैनल है एक चैम्पियन, तो वो भी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब उनको भी मैं कहूँगी बहुत अच्छे हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं। मैंने उनका बहुत वीडियो देखा है, बहुत से छोटे क्रिएटर जिसका कुछ नहीं हो रहा है सब उनके पास जाते हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं। तो उनका भी वीडियो मैंने देखा था, शकुंतला के साथ गए थे, फ़ोन दिए थे, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब वो मतलब हर छोटे क्रिएटर को आगे जाने के लिए एक अच्छी सलाह देते हैं, तो वो मतलब महान इंसान, मतलब इतने अच्छे हैं यूट्यूब वाले बाबा कि क्या बताऊँ आप सबसे। अगर हमारे घर के बगल के होते तो हम खुद ही उनसे रोज मिलने जाते, लेकिन अब पता नहीं कहाँ के हैं कि हम सिर्फ वीडियो देखते हैं उनका, पता नहीं कभी सामने से मुलाकात हो पाएगी कि नहीं। तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छे और नेक दिल के हैं यूट्यूब वाले बाबा। ले अभी YouTube से पेमेंट नहीं आई है, वहाँ टोपियों पे बाहर कर देंगे। बेचारी इंटरनेट पे वायरल है, रातों रात वायरल हुई है। इनका है Instagram पे अकाउंट। ये झूठ बोल रहा है। अरे नहीं भाई, अरे सही फोन है ले लो। अरे नहीं भाई, अरे नहीं, इसने बोला समय नहीं है। अरे अरे समय इतना पहले रखा उधर। अरे रोते नहीं बेटा, अरे रोते नहीं, रोते रोते नहीं है ना, रोते नहीं। अरे अरे इतनी जल्दी रोने लगे, चले बहुत अच्छा लगा। अरे आप काम करो, अच्छी बात है, आपका चैनल भी चल जाएगा। मेन कमाई जो है, कब तक झाड़ू पोछा लगाओगे बताओ, जिंदगी झाड़ू पोछा लगाते। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की जो एकदम गांव से होकर के, एकदम गरीब परिवार से होकर के, मतलब अपने कला से, अपने हुनर से यहाँ तक पहुँची है कि लोग, जो लोग पहले उसको, उसका वीडियो देख के मजाक बनाते थे उसके कपड़े पे, मतलब उसके पहनावे पे, उसके रहन सहन पे, उसके कारोबार देख के जो लोग मजाक बनाते थे, आज वही लोग उनके घर जा कर के उनके साथ वीडियो बना रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। और आज पता चला कि मतलब चेहरे की कदर नहीं होती है, हुनर की कदर होती है। उसके पास हुनर और टैलेंट बहुत है कि लोग उसके पास जा रहे हैं अपनी पहचान बनाने, मतलब उस गरीब की वजह से अपनी पहचान बना रहे हैं। तो इंसान का हालात जैसा भी हो, गरीबी अमीरी तो सबके जीवन में है, तो जो हुनर है, टैलेंट है, इसके काबिलियत से कुछ लोग बहुत ऊपर तक जा चुके हैं। तो शायद तो वो लड़की भी आगे पहुंच जाए, भगवान की यही कृपा रहे और आप सब इतना सपोर्ट करो मतलब कि वो आगे जाए। मुझे भी मतलब अच्छा लगता है, वो बेचारी गांव से है, इतना अच्छा कॉमेडी करती हैं। तो हाँ, तो हम मतलब वो लड़की का नाम है शकुंतला कॉमेडियन, तो आप लोग बहुत देखे होंगे उसको, जैसे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो बहुत अच्छा कॉमेडी करती हैं। उसको ये नहीं लगता कि मैं खूब अच्छे से मेकअप कर लूँ, खूब अच्छा कपड़ा पहन लूँ, तब मैं कॉमेडी करूँ लोग, ताकि मेरी कॉमेडी से ज़्यादा मुझे मतलब वैल्यू करे। तो उसके अंदर ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे भी रहती है, जिस हाल में रहती है, उसी स्थिति में वो सबको हंसाती हैं, हम जैसे लोगों को हंसाती है। और कूड़ा बिनती है, क्या करती है, बस वो कुछ भी करे, बस कॉमेडी करना है, कॉमेडी करके सबको हंसाना है। तो दोस्तों आप भी बताओ उसका वीडियो कितना अच्छा लगता है आप सबको, तो कमेंट करो। तो मैं यही कहूँगी कि चाहे गांव से हो, चाहे शहर से हो, चाहे मतलब अच्छा हो, चाहे ना अच्छा हो, लेकिन हमेशा अपने अंदर के टैलेंट बाहर निकालना चाहिए, उसको दबा के नहीं रखना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में तो अगल बगल के पड़ोसी जो होते हैं देख के हंसते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है तो उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, ये क्या करने आई है, ये क्या कर रही है, कुछ नहीं होने वाला इससे, तकदीर तो ऊपर वाले ने लिखा है, मतलब हमारा क्या होगा, हमारा क्या नहीं होगा। बाकी आप सब तो बैठी हो सपोर्ट करने के लिए, आगे जाने के लिए। तो हम जब कोई काम करते हैं तो हम यही सोच के करने लगते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम मतलब अगर हमारी किस्मत अच्छी रहेगी और आप सबका साथ रहेगा तो हम आगे तक जाएंगे। तो हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं, फिर लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। जब तक लोगों के बारे में सोचते रहेंगे कि हमको ये क्या कहेगा, हम नहीं कर पाएंगे ये काम, लोग आपको आगे कभी नहीं जाने देंगे। जैसे कि हमने कभी नहीं सोचा कि हम यूट्यूब पे आएंगे, और हमारे यूट्यूब के आने के पीछे सबसे बड़ा
एक मेंबर का हाथ है, तो मैं उसको बाद में बताऊंगी। थोड़ा आप सब मुझे इतना सपोर्ट करो कि सबके साथ मैं भी आगे जाऊं, यही उम्मीद है आप सबसे कि टाइम आने पर, वक्त आने पर तो मैं भी अपना परिचय दूंगी कि मैं यहाँ पे यहाँ तक कैसे आई। तो गाइज यही कहना था मुझसे कि शकुंतला का वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है, क्या ही बताएं आपसे। और हाँ, मतलब अभी अभी मैंने उसका वीडियो देखा तो रवि सागर जो मतलब बैली डांस या कुछ भी एक्टिंग डांस डांस से ही ज़्यादा फेमस है वो, मतलब बहुत मतलब बड़े क्रिएटर हैं, मतलब तो वो गए थे अपने ग्रुप के साथ शकुंतला के यहाँ, तो उन्होंने शकुंतला का मेकअप किया, बड़ा अच्छा लगा मतलब, और उसको न्यू ड्रेस दिया, न्यू ड्रेस पहनाया, उस लुक में बहुत ही अच्छी लग रही थी शकुंतला। तो सभी लोग हैं, बहुत लोग हैं तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं तो थोड़ा खूबसूरती और बढ़ जाती है, और जो नेचुरली त्वचा है वो तो भगवान का दीन है, वो तो खूबसूरत तो है ही है, उसको तो कोई नहीं हटा सकता। बाकी लीपा पोती कितने देर तक चलेगा, बहुत देर तक चलेगा, दिन भर चलेगा, दो घंटे चार घंटे चलेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सबसे मेन चीज़ है सुंदरता पे कभी मत जाएं, अपने टैलेंट पे हमेशा कायम रहें, लोग कहीं भी रहेंगे हमारा टैलेंट देख के हमारे पास आएंगे। तो हम उन लोगों से यही कहूँगी जो लोग शकुंतला के पास जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब बड़े बड़े क्रिएटर होके उसके पास जा रहे हैं और उसको एक अलग सा मतलब हौसला मिलता है कि मेरे पास इतने दूर से चलकर लोग आ रहे हैं, उसे कितनी खुशी होती है। क्रिएटर को जब इतना खुशी मिले और इतना सपोर्ट मिले बड़े क्रिएटर से, तो उसका मतलब और आगे जाने का मन होता है, उसको मेहनत करने में और मन लगता है। तो यही सब बात थोड़ा सा आप सबसे शेयर कर लिए कि मतलब कभी भी लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना तो किसी के सुंदरता पे जाना चाहिए, हमेशा उसके हुनर की कदर करनी चाहिए। तो गाइज बहुत अच्छा लगता है मुझको उसका वीडियो, तो अगर मेरी भी वीडियो आप सबको ज़रा सा भी अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दबा के, तो हम ऐसे ही मतलब एक नया अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए बातें के साथ मिलते रहेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के बाय बाय।